মাথা টাঙিয়া হাইক সাপ ঘেঁচাইয়া হাইক সাপ একটা হাতে ডমরু একটা হাতে ত্রিশূল এই শিবটা আমল লহে। मैं एआर बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में दो संत हैं, एक चारी गुरु संतोष केटीआर, दूसरा है संत श्री मुकनाराम जी और मंडल जी। दोनों ही संत एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इस संसार विकट परिस्थिति में है, उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। तो फिलहाल हमारे जो झारखंड के सुप्रसिद्ध संत चारी गुरु जी हैं, उनका हम ग्रामीण टीवी में स्वागत करते हैं। जोहार। बाबा जी आपका भी चैनल में स्वागत है। जी आप क्या? मानुष तो अनु अनु जन्म लात पृथ्वी, मानुष एक तो सेंस नहीं और मानुष एक अनु अनु भावो भावो काकरो माने एकटा नहीं। मैं तो आज जेटा ना किना आसल जिनिस साचा सही जिनिस से आसले मानुष आज नकले माने चली गला। आसल पूजा ना कोई के मानुष आज नकल पूजा करो। प्रकृति ले जे जीवे सृष्टि, प्रकृति बाँचले जीव बाँचता, प्रकृति के ध्वंस कर ले जीव जे एक दिन ध्वंस है शेष ही जाता। इटा आज हमार मानुष एक मालूम नहीं। প্রকৃতিক উপর অত্যাচার, প্রকৃতিকে মানুষ মানে চিনে ঠিক নেই, তাকর জন্য তো আমি সব মানুষকেই কবেন যে জীব সব যাকরা আমরা জন্ম লাই এ বসম তাই কোনো ব্যক্তিক দ্বারা আমরা আয়ো নেই, আমরা সেই শক্তিক দ্বারাই আইলাই হোক। যে শক্তি চিরশক্তি রহে হলে আহেক আর রহতে, কোনো ব্যক্তিক হইতে ভগবান নাই যে ব্যক্তি মোকে জন্ম দেলা হাত কোনো ব্যক্তিলে আমি আইলাই হো। এই যে প্রকৃতি মহাশক্তি পঞ্চ উপাদানক লে যে জীবেকর সৃষ্টি, সেই পঞ্চ উপাদানকে লেখুন চলাটাই মানুষের কর্তব্য, ওটাই মানুষের মানবিকতা বোধ। কবে করো লাগ যে সত্য কলে ধর্ম নাই, মিছা কলে পাপ নাই। তো যেটা সত্য সেই সত্য পূজা না কইকে সত্য জিনিসটাকে এখন মানুষ ছাড়ি দেইকে রঙে আর ছকে ফেসেনে মানে মাতি গেল দেখে আনে। বাবাজি এক বাত হাম বতা রে, দেখিয়ে বাবাজি ইনকা কেহনা হ্যায় কি প্রাকৃতিক জো হ্যায় ওহি হামারা জিনে কা এক সাধন হ্যায় সমঝে, উসকে বিনা ইয়ে জীবন সম্ভব নহি হ্যায়। অর ইয়ে ইয়ে কহ রহে হ্যায় কি হামে বানানে ওয়ালা कोई भगवान नहीं है, समझ गए। हमें बनाने वाला हम लोग कहाँ से बने हैं, कहाँ से बने बाबा? ये तो माटी पानी आग हवा और आसमान, यह पंचो शक्ति बिना कौन जीव कैसे कोई के जन्म होता, कैसे कोई के सृष्टि होता। सृष्टि तत्व ऐसा है, उसी से मनुष्य का जन्म हुआ है, कोई देवता वगैरह इनका कहना है कि नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप कुर्मी महतो हैं, आप आदिवासी भी हैं, जहाँ तक आप लोगों की लड़ाई है, महतो समाज ही आप विरोध कर रहा है कि भाई चारी गुरु को कुछ पता नहीं है, ऐसे उसे बात कर रहे हैं। जैन जाने ही नहीं तैन तो माने ही नहीं, जैन जाने ही से तो मन तक तो ओकर की मालूम है जे ओकर निजे मगजटा धोला है गला है। पर धर्म परिचालित है के ओकर निजे डहरटा बिसरी गला है। ढेर दिन ले जदि केउ मामा घाटा ना जात, शशुर घाटा ना जात, तो उठिनटा गेल बादे अपन घाटाओ ढुके लाई पारे नहीं जे के जाना इटा हमर है कि नो नहीं। तो जे ए जिनिसटाके अपन जातिसत्ताटा कोई अस्वीकार करे मेन ताले ओय अपन जातिसत्ताटा बिसरी गेला है जे ओय निजौ एखन माने कन्फर्म नहीं जे हमी कुर्मी है कियो न लई हो ए रकम अवस्था। तो जो लोग ऐसा सोच रहे थे, चारी गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले आप अपना अस्तित्व को देखिए कि आप कुर्मी है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और बात बताइए, आप ही के जात समुदाय ये कह रहे हैं कि एक बार चारी गुरु जी से ये पूछिए आप कि हम लोग जो चड़क पूजा करते हैं उसमें माँ शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो क्या चारी गुरु उसको भी रोक देंगे? हमारा कोई पार्वतिक तो पूजा करियो नहीं,
आगे तो जाने हेती जे इटा काकर पूजा आर जी केल कल्चर शिव आर हमर ओनार जो कल्चर जे बुढ़ा बाबा एकर मध्य बहुत अंतर हो भाई ये हमरा बुढ़ा बाबा के परब करियो आ सारा पृथ्वी जेटा पूजा हे सारा तोर भारत बर्षे ये बुढ़ा बाबा के पूजा क्यों करत नहीं ना जदि करत तो कहन भला काशी जे विश्वनाथ के पूजा हे तो उठिन भक्ता कतना गिला ढुकत हमर पूर्वजरा कही गला तो मानले शिव नाइन तो पाथर हमी पाथर एक पूजा रे कियो हमी पाथर एक पूजा करियो कतना भक्ता घुरत इटा छोटो नागपुर एक इटा तो माने संस्कृति एक एक इटा छोटो नागपुर एरिया हमर इटा हेवे बुढ़ा बापे परब ओंकी जाने ये बुढ़ा बापे के हमरा कांटा करे हो जन्म न बिहा न मरण ओ कठिन पत्ता है नहीं के ऐसे भी तो आदिवासी जो है कि जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत पत्थर का पूजा करते हैं तो इटा जे हमर हम ओ जेसन माने एकटा मानुष आहे ओकर माथा टाई आहे कि सांप घेंचा आहे एक सांप एकटा हाथे डोमरु एकटा हाथे त्रिशूल ई शिवटा हमर लहे हमर पूर्वजरा कही गला तो मानले शिव नाइन तो पाथर हमी पाथर एक पूजा रे कियो हमी पाथर एक पूजा करियो जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि आप चारी गुरु को बढ़ावा दे रहे हैं आप उसको ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो चारी गुरु चाहता है वही आप रिलीज करते हैं तो भैया आप लोगों का सवाल भी मैंने पूछा और उनका सटीक जवाब भी आप लोगों ने सुना। अपना राय जरूर रखिएगा। बाबा जी आप राजस्थान से आए, ये चारी गुरु हैं आदिवासी के और इनका भी बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं भटकाया गया है, हमारे समाज के लोगों के साथ में गलत हुआ है, इन्हें अलग तरह से परिवर्तित कर दिया गया है जबकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक पद्धति को मानते हैं, ये अपने समाज को पढ़ाना उचित समझते हैं और ये जो है मने टोना टुटका ये सब से इनका भरोसा नहीं है। आपका भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं, आपके भी आप जिस मंडल से बिलोंग करते हैं उस मंडल में भी यही है कि आप भी कहीं ना कहीं धरती माता को बचाने का मुहिम है, तो क्या मैसेज रहेगा दुनिया का? जय धरती माता। इनकी जो भाषा में झारखंडी भाषा में पर इनका उद्देश्य यही है कहने का कि हम प्रकृति रक्षक हैं, प्रकृति पूजक हैं, हम पाखंड पूजक नहीं है, अंधविश्वास नहीं है जी। ये राखड़ी डोरों में विश्वास नहीं करने, बांधना कला वगैरह नहीं करने। तो इन्होंने कहा हम प्रकृति से ही हैं, प्रकृति कुदरत से ही बनी है, ये कुदरत प्रकृति से ही बना और जीव की भी जो जीव प्रकृति से हुआ ये प्रत्यक्ष है कि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है जो पानी की बूंद से हुआ है और उसमें हमारे शरीर में हड्डियां चमड़ी नाड़ियां खून मांस सोचने समझने की शक्ति वो कुदरत से बनी और इंसान ही सब कर रहा है। एक अच्छा काम करने वाला भी इंसान है तो एक बुरा काम करने वाला इंसान है। तो बुरे काम करने वाले का विरोध करना अच्छे काम करने अच्छे आदमी का कर्तव्य पुरुष फर्ज बनता है। तो हमारा उद्देश्य भी है कि इस प्रकृति के साथ में जो कोई कोई तांत्रिक कलाओं से इस तंत्र मंत्र के द्वारा जो खिलवाड़ कर रहा है उनका हम विरोध करते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ हैं और आपका भी यही उद्देश्य है। तो हम अगर आप और हम मिलकर और उनका विरोध करें तो हम आराम से वापस इस प्रकृति को संतुलन ला सकते हैं कि उनके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है जो कुछ भी दे रही तो धरती माता दे रही है। जल जंगल और ज़मीन को बसाना है, जल जंगल और ज़मीन क्योंकि मैं ये दे रही है, ये ज़मीन दे रही है। अगर ज़मीन पर बरसात होगी तो वृक्ष पैदा होंगे वृक्ष रहेंगे फल फूल होंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और अगर इस पे बरसात नहीं होगी तो हम होंगे। तो इसके बारे में जो खिलवाड़ हो रहा है वो हमारा उद्देश्य है कि ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बरसात क्यों नहीं हो रही है, भूकंप क्यों आ रहा है, तूफान क्यों आ रहा है, ज्वालामुखी क्यों आ रही है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है, भाई भाई बहन भाई माँ बेटा पति पत्नी लड़ क्यों रहे, साधु भी लड़ रहे हैं, तो फिर इस धरती की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हम उद्देश्य से लेकर आए, आपसे हमें मिलकर बहुत खुशी हुई और जो आपका उद्देश्य और हमारा एक है और अगर हम जो मिलकर कर काम करेंगे तो इस धरती पर वापस अमन शांति आएगी, ये हमारा उद्देश्य। क्या हाँ हम तो माने हिंदी टा कोहेला ही उतना नाम पाल लो। ग्रामीण टीवी बता दूं ये जो चारी गुरु संतोष केटीआर जी हैं ये सिर्फ झारखंड में ही लोग इनको नहीं जानते हैं, इनको बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक भी आप जाते हैं ना तो कई स्टेट में जाते हैं और लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाने का काम करते हैं। खास करके इनके धर्म जो आदिवासी कुड़मी समाज है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ
है बाबा की नज़र में। और बाबा के कई वीडियोज हमारे चैनल में आप लोग देख सकते हैं, इनकी पूरी बात आप लोग को समझ में आएगी। जी बाबा जी, हाँ मैंने हम तो बुझी पबलियो जे बाबा जी जेटा कहे गला वास्तववादी एक विज्ञान सम्मत जेटा कि प्रकृति लेके जीवे कर सृजन प्रतिकिल प्रकृति लेके विनाश प्रकृति बाद देके कोनो किछु हेबलाय पारे कि नहीं हेबलाय पाते कि नहीं जे परिकल्पित भावे रूप आकार देके आर माने अपन मतामत इहा कोइ के जेटा माने गढ़ी के मतलब हुआ कि जो मूर्ति पूजा हो रहा है जिनको लोग बना रहे हैं या तस्वीर को बना रहे हैं विशेष भगवान का रूप दे रहे हैं उन पर हमारा यकीन नहीं है, आपका यकीन है क्या? देखिएगा हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ महात्माओं ने लिखा है कि मूर्ति पूजा हमारा धर्म ही नहीं था, हम मूर्ति पूजक थे ही नहीं, हम तो प्रकृति पूजक थे, हम प्रकृति पूजक थे, पशु पक्षियों की रक्षा करते थे, वृक्षों को काटने नहीं देते थे, पहाड़ों को तोड़ने नहीं देते थे, क्यों ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ये जो जीवन जीवन शैली है, ये भारत का एक विशाल देश जहां आप लोग दोनों को जीने देगा आदमी। देखिएगा कि जो जब भी धरती पे कोई संकट आया है तो संत महात्माओं ने इसे आवाज उठाई है और उस पापियों का नाश किया और उनको हटाया धरती पे। बाबा जी जीने देगा आप लोगों को कोबे कर लगे ओद्य बाब्द स्वतंत्र मृत्युर्व ध्रुव आज हो का लोक जीव जन्म लय कर मोर ना है के तबे तो साँचटा सोहीटा सत्यटा कह के जाई आईला हो चली जा बे कर ले दूसरा कोनो भिनु कथा नहीं के जे जे आईला है वो समता ओके जाए हेते तो हमी पेंदलाटा का है कही के जाब हम जेटा मन के भाव हम ही जेटा सत्य जेटा जान सत्यटा के लेके हम पूर्वजरा मानि गला हाथ हमको सत्यटा कही के जाए हेती जतना खुन हमर ए देहटा हम निकाशटा बहुती बाबू ततना खुन हम ए सात सत्यटा कह उ काकरो माने के माने दमे लोके एक दिगे ता तखन हम माने अन्यटा अन्य कह उटा हमर जीवन हेती नहीं उटा हमारे जीवन में होती नहीं वो मेरे जीवन में नहीं होगा बहुत बड़ी 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 बात कहे हैं अभी आप समझ में आई कुछ पेंदला मतलब असत्य होता है कि भाई हम ऐसे पकड़ से दूर ही रहेंगे और हम अपने आप को कभी नहीं समझेंगे। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक लगी है। तो ये जो बाबा ऐसी बात है कि आपका हमारा उद्देश्य एक ही है, ठीक है भाषा के में थोड़ा फर्क है बैठ कर सुलह कर देंगे पर इस उद्देश्य से हम जब एक होंगे तभी इस प्रकृति की रक्षा होगी, अगर हम एक नहीं हुए तो प्रकृति की रक्षा नहीं होगी। जैसे ये हाथ की उंगलियाँ बराबर नहीं है पर भोजन करते तो बराबर होती हैं, इसी प्रकार हमारे विचार मिलेंगे तो प्रकृति की रक्षा जरूर होगी, यही हमारा उद्देश्य। तो ये थे संत चारी गुरु संतोष केटियार और ये संत मुकनाराम जी, दोनों चिंतित हैं, एक अपने विशेष कम्युनिटी कुड़मी महतो पर चिंतित है कि हमारे जाति धर्म के लोगों को बहकाया गया है, भटकाया गया है और उन पर शासन करने के लिए एक अधिकार जमाया गया है, और एक तरफ बाबा जी हैं जो पूरे भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि धरती माता के साथ में विशेष कम्युनिटी कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है, इसे रोकना हमारा परम धर्म है। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जानकार हैं, आज देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर कई तरह के मुद्दे हैं जिससे लोगों को बरगलाया जा रहा है और समाज में एक अधिपति जमाने का कार्य हो रहा है। तो तमाम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं और अंत में बाबा कुछ बोलिएगा विशेष संदेश आप। तो प्रकृति के जो हमरा पूजा करियो इटक तो परमान बाबू ये 10 तारीख ले आज कोई हेलो कोई तारीख हेलो धारो तो कल ले तो हमारे 7 दिन जंगल जीवे मान आंदोलन जेटा हमारा कर्मसूची तोर पुरुलिया बांगाले बांगाले तोर चलो हो जंगल जियावा आंदोलन माने गाछपाला के रक्षा करा तो ताकत जने तो पानी देवा शुरू हो गला है दैनिक तो पानी देती हमर लोके गाछे दैनिक पानी देती गाछ के रक्षा करा ये वृक्ष के संपद किछु नाई वृक्ष हेलो तोर देवता ए गाछे तो के बाबू ऑक्सीजन देउ ए ऑक्सीजन हमरा पावे हो तबे कानी बाँची आई हो दुनिया शोसा करा संसार एक जतेक जेला तई गोढ़ी के ठाकुर देवता करो लाइ सिकला जदि तई कोनो ना राखसिक कोनो तोर जीवन क्षति हेतौ नहीं आ जदि तई कोई जे हम एकटा गाछ पला राखब नहीं तो संसार टा ध्वंस हो जातौ
कहना ऑक्सीजन टा तो कहाँ ले पाओगे, गाछे पात रे गाछे फूल रे। इनका कहना है कि 10 तारीख से लेके आने वाले 17 तारीख तक एक मुहिम छिड़ा हुआ है बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में भी कुछ कुड़मी आदिवासी जो हैं वो लोग पेड़ पे पानी दे रहे हैं कि पेड़ जिंदा रहे, पौधा लगाए उस पर पानी डाला जा रहा है ताकि जीव जो है कि सुरक्षित रहे। बहुत माने ये इसको हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास सुनने वालों भाई लोग, मेरे पास शब्द नहीं है। पेड़ पौधे को बचाने का जो मुहिम कुड़मी जाति के लिए, हम तो इनका विचार से हम खुद सहमत रखते हैं, तभी मैं इनको खोज खोज कर इनसे हमें बात करता हूँ। देखिएगा कि ये जो हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें पशु पक्षियों की भोजन कराना, उनको पानी पिलाना, वृक्षों को पानी पिलाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, और इनकी रक्षा करना ही मनुष्य का कर्तव्य धर्म है, ऐसा शास्त्रों से। मैंने 1922 साल हम समाज जखने अन्य माने लोक ढुकी गला, अन्य धर्म जखन हम मध्य ढुकी गला, एक अन्य संस्कृति जखन हम मध्य ढुकी गला, तक बेस किचु लोक आपन धर्म आपन संस्कृति बिसरी जाके अन्य बाटे चली जात, आर सेटा आरो केउ कौ कहत कि ना जे तोर लोक माने होगिला के कहे थी जे तो कैसे कोई के आदिवासी हेबे, तोर आदिवासी माने भाषा संस्कृति जे सबे हराई गेलो, तो हे बाबू आदिवासी जदि संस्कृति हराए गेलो आज बन जंगल गिला तोर उजाड़ गेलो, तो हाथी गिला तोर घाट ढुकी जाओ, तो हाथी गिला के तुम बन्य पशु कहबे से कि न तुम माने गृहपालित पशु कहबे से, तुम घाट ढुकलो आर टाउने घूरल बन्य पशु है कि तेसने हमारा जे आदिवासी आदिवासी कथाटा मान हलो आदि मान हलो आगे आर बासी मान हलो तोर बासिंदा मान जरा आगुले बसबास कईके आहत जेसन पानी टाइम तोर मान झिनुका हो गोगली आहो माच आहो मान कत कि तोर साँप आहो बेंग आहो सबे आहो तो जतेक जीव आहत के कथिक जलचर न कथिक न नहीं मान जले रह पानी रहता जन गला जलचर ঠিক আগুলে যাকরা বসে বসবাস কইকে আহাত সেইগুলাই হল তোর আদিবাসী, এ তো ব্যাপার। তো যেই কহিস ওটা আমি ভুল করি কহিস, কারণ অকর মগজে কহিস যে ই তো এটা নাই খে, আরে বাবা তুই জানিলে যে আজ যখন সরকারে বনটাকে কাটি দিল তখন বাধ্য হইকে বন মানে পশুগুলা তোর ঘাট ঢুকি যাও, ঠিক তেসনে চালাক চতুর শ্রেণীর মানুষে নানাভাবে নানা কৌশলে মানে তোর উদার সরল প্রকৃতিক মানুষকে মগজ ধলাই করে খাতিরে বই পথি লেখিকে হামর লোককে ভটকাওলা হাতিক, হামর লোককে উল্টা বাটে লেগে গেল হাতিক। মেনতুক তোর যেটা পরম্পরা যেটা তোর ইহা সেটা তোর যেসন বনে পশু তুই বনে মানে তোকে বনজন্তুই হেবে গৃহপালিত নি হেবে, তো আদিলে যাকরা বসবাস কইকে হাত ওকরা আদিবাসী হেক, তবে মনে করে হামর ঘর হলি আরসা থানা পাথরডি, আর পাথরডি একশো ঘর কুড়মি হাত উঠিন, এক মধ্যে তোর পাঁচ ছ ঘর হাত মহলি, চার পাঁচ ঘর হাত তোর তেলি, আর দুই ঘর হাত কামার। তো আচ্ছা কহেন ভালা কামার গিলাই লেখে পাত্তান লেখে মানে কহে পাত্তান নি কহে পাওতান নি যে আমি পাথর ডেকে হেকি ওটা কতানো নি বুঝে পারলে, একটা সমাজ এক লোক একে ঘর হাত তো ও তো কতাক যে আমার এ গাঁটাই ঘরে কিনো নি কতাক কত, তো সেই সময় যদি কেউ কহত না 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 তুই কহলাই পাবে নি চই গাঁ এক লোহিস তো ওটা কেরত, ঠিক তেসনে আগুলে যাকরা এক জায়গায় বসবাস কইকে আত বাবু সবাইগুলা আদিবাসী, আমরাকে তো পরিকল্পিত মাফিক আমরাকে আদিবাসীলে ছুটকারা কই দিল হাত, আমরা রয়েলিও পরাধীনে স্বাধীন আর আজ স্বাধীনে অধীন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন ব্রিটিশ সরকার রহেলাক তখন আমরা পরাধীনে রহেলিও, মেন্তু হামর জাতিসত্তাকে ওখরা মান দে রহতিক আমরাকে তখন এসটি তালিকাভুক্ত কর রহত, যখন আমরা 1947 সালে স্বাধীন হয়ে গেলিও তখন 1950 সালে আমরাকে এ স্বাধীন ভারতেই আমরাকে পরাধীনে লেগিকে ঢুকাওলা, তো কেসে কাহে ঢুকাওলা ন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমরাকে আদিবাসী কর রহত, আর আমরাকে ছোটনাগপুর সিএনটি অ্যাক্ট যেটা মানে ছোটনাগপুর টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট, তো ইটিনটা সিএনটি অ্যাক্ট লাগু করে রহ, সিএনটি অ্যাক্ট লাগু করে মতলব হল যে আদিবাসীর এক জায়গা জমি বেচাতেন নেই, ওকরা জমি কেউ লেও পাওতা নেই, তো যখন ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন এলে ত
তখন বড় বড় পুঁজিপতি ধনীরাকে লইকে তো সরকারে মানে বৈঠক এলেন, ওখরা তো মানে দেখে লাগলা যে কেসে কইকে ভারতকে আমরা দেশকে কেসে কইকে চালাবো না, চালাক চতুররা দেখলা যে এইটাই কিছু করে গেলে তাহলে কলকারখানা এইসব করে লাই হতো, কারখানা মারখানা, তো কারখানা যদি করে যাবে তো কাহা করবে, তো যে জায়গাটাই করবে এটা এটা তো তোর কুর্মিক জায়গা, তো কুর্মিক তো আদিবাসী, কুর্মি তো সিএনটিকে ভুক্ত হাত, তো কুর্মিক জমি তো লেওয়া চলতেও নি। তখন পরিকল্পিত মাফিক ওখরা দেখলা যে বাঁশ রোহেগা ন বাঁশুরি বাজেগা, তো ই তোর কুর্মিকে তোর আদিবাসী লিস্টে এলে তোকে বাদ দেবে লাই হতো, তো এ বাদ দেইকে তো আজ আমরাকে এ পরিস্থিতি, নালে তুই যাহা দেখবে যে কোনো টিনটা যেটা দেখবে কারখানা কহে আর রেল লাইন কহে আর কত কিছু তুই কহে, হ্যাঁ বাবু কাকর জমি হেলা হে, আর আমরা যদি আদিবাসী লই হো তো তুই আজ এতনা কুর্মি কেসে কই কেলি হো, ছোট নাগপুর এরিয়ায় আমার 40,000 একর বেশি বস্তি আহি কুর্মি, তো একদিনে হেলাই তবে কি আমরা বিলকুল বাবাজি আপনি বাত আ গই হ্যাঁ। और अगर कुर्मी समाज आदिवासी की मांग करता है तो किसी का पेट में अगर दर्द हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार इनको एसटी सूची से बाहर निकाला है तो सरकार से मांग कर रहा है, जायज है, जहां तक अगर कोई विरोध करता है तो उनका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल बाबा जी अंत में और कुछ बोलिए, क्योंकि वो चारी गुरु हैं, वो बोलते जाएंगे अभी दिन रात बिता देंगे, परंपरा को रखें बरकरार। और जो ये कल कारखाने वगैरह नहीं थे, जब पूरी प्रकृति ही हमें जो कुछ देती थी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रकृति से मिलता था, तो ये बात हम अगर वापस करें तो कल खान करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रदूषण है और इसे इस धरती का विनाश हो रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है सभी को, पर हमारे आपस की एकता नहीं हो रही। हाँ उठा तो सब सेटा तो वास्तव कहो मेन्तु जखरा इटा तो लाभे कौन कौन जेकरा करो लात उगला तो लाभे जन्य करो लात ना, बस यही बात ही कि अगर प्रकृति की रक्षा करनी है तो हमें जो परंपरा को बरकरार रखना पड़ेगा, हमें जो एकजुट होकर मैं ये सारी भ्रांतियाँ मिटाकर हम सभी लोगों को एक होकर इसका विरोध करेंगे। तो चलिए, दोनों संत मानवता का संदेश दे रहे थे, धरती माता को बचाने का संदेश दे रहे थे, जो इस बात को समझ नहीं पाए हैं अपना जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना सवाल भी रखिएगा, हम आने वाले समय में फिर दोनों संत का इंटरव्यू लेंगे, हो सकता है बाबा चले जाएंगे राजस्थान, इनसे हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन संतोष केटीआर जी हमारे बोकारो में रहते हैं, हम इनसे कभी भी मिलकर आपके सवालों का जवाब हम पूछ लेंगे, और बाबा के यहाँ अगर हम पहुँच गए तो बाबा जी आपसे हम पूछ लेंगे। कुल मिलाकर ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। आप लोग का छोटा भाई AR बोकारो भी लेता है विदा, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय जोहार, जय धरती माता, जोहार सब।